छत्तीसगढ़ के कोरिया में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों सहित सदस्यों व किसानों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने किसानों के द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की। इस दौरान तीनों काले कानूनों को वापस लेने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी व किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जो भी कानून नए लेकर आई है उनमें किसानों के हित की कोई बात नहीं है और छत्तीसगढ़ शासन को केंद्र सरकार किसानों के लिए किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रही है, जिसके कारण केंद्रीय सहायता नहीं मिलने से किसानों का सहयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही। बताते चले कि विगत कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने खुलकर समर्थन किया और अपना सहयोग देने की बात कही। किसान आंदोलन के आरंभ होते ही कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का सहयोग कर सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद रही है, जो कि भारत के अंदर पहला इकलौता राज्य है जो कि इतने ज्यादा मूल्य में धान खरीदी कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। ये चक्का जाम जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, उसके सपोर्ट में किया जा रहा है जी। क्या चाहते क्या आप? हम लोग ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जो 3 किसान विरोधी बिल पास कर रही है उसको वापस ले। किसान जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी हर भारतीय के लिए ये जरूरी है और ये मेरा मानना है कि सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका असर फाइनली पूरे देश पर पड़ेगा और धीरे धीरे जिस तरह से देखा जा रहा है देश को फिर से गुलामी की तरफ, हो सकता है ये जो गुलामी की तरफ हमको भेजा जा रहा है ये बाहर के देश से हमारे ऊपर राज न किया जाए सामने सामने, पर ये एक फाइनेंशियल गुलामी की तरफ हमको धकेला जा रहा है। यही कारण है कि इसका विरोध इस तरह से किया जा रहा है कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आंदोलन पर फोकस नहीं हो रहा है, फोकस हो रहा है किसान वहां क्या खा रहे हैं, किस तरह से हैं। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आज के तारीख में ये लोग किसानों को कमजोर इतना क्यों मानते हैं, और किसान हमारे ताकतवर हैं। यही कारण है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था को ये लोग जिस जगह पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बॉर्डरों पे जैसे की लगा दी जाती हैं, फेंसिंग तार लगा दिए जाते हैं, इस तरह किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज के डेट में बॉर्डरों पे अगर की लगा दी जाती तो जहां घुसपैठ हुई है वहां घुसपैठ नहीं होती। तो ऐसा काम तो हमारे हम दुश्मनों के साथ करते हैं, तो आज हम ये क्या, हम क्या ये मान लें कि आज हम हमारे किसान हमारी सरकार के दुश्मन मान रही है हमको? सरकार हम सब आम जनों के लिए है, किसानों के लिए सरकार बनी है, किसान सरकार के लिए नहीं है। तो निर्णय जो लेना है ये उनकी सहमति से लेना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय में आज किसानों का प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। जो मोदी सरकार के 3 काले कानून हैं, 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री के जिन्होंने किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए 3 काले कानून बनाए हैं, उन काले कानूनों को जड़ से समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में मैदान में खड़ी है और मोदी सरकार से यह मांग करती है कि इन 3 काले कानूनों को जल्द से जल्द वापस किया जाए और किसानों को सम्मान जिससे जो दिल्ली बॉर्डर पर आज 100 दिन से बैठे हुए हैं उनका धरना और आंदोलन समाप्त कराया जाए। आज हम सब की यही मांग है कि इन काले कानूनों को वापस लेकर किसान को वाजिब हक वाजिब मूल्य दिया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.